नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ नियति। आप सभी को बता दूँ, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं रितुल चाड़क जो आर्टिस्ट हैं, पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच रितुल। एज एन आर्टिस्ट हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, शुरुआती पल जिसको कहा जाता है, तो आपके शुरुआती पल किस तरीके से? एक्चुअली मेरी शुरुआत तो बहुत जल्दी हो जानी थी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पापा को ही, मतलब मुझे किसी ने बोला था कि एक जम्मू के आर्टिस्ट थे कि उनको मैं चाहिए एज अ फीमेल लीड। बट मेरी फैमिली को थोड़ी प्रॉब्लम थी कि नहीं अभी नहीं करना है, लाइक छोटे हो, समझ नहीं है, कि हमको लगा कि भूत है, उतर जाएगा एक टाइम पर आके। तो मेरी मम्मा और मैं तो पूरे तैयार थे कि हम करेंगे। मेरी सिस्टर भी मतलब थोड़ी थी कि अभी नहीं करना है, थोड़ा टाइम ले लो, मतलब सेटल डाउन हो जाओ फिर उसके बाद। बट मेरे पापा को थोड़ा था कि अभी नहीं, मतलब थोड़ा टाइम के बाद। तो उसके बाद मुझे 2-3 बार फिर मैं सोशल मीडिया पे ना बहुत एक्टिव थी, मतलब मुझे पिक्चर्स पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, सिमिलर रील्स वील्स बनाना। उस टाइम पे नया नया टिकटॉक आया था तो मैं वो सब भी यूज़ करती थी। तो मुझे बहुत बार लोगों ने बोला कि आप हमारे मतलब उसमें काम करो, ये वो ऐसे करके। तो मैं अपने घर पर बताती रहती थी कि मुझे आज इसने ये बोला, उसने वो बोला। तो उनको समझ था कि इसको करना है, मतलब मम्मा को पता था कि मुझे ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा कि मुझे करना ही करना है। बट पापा की साइड से मेरा थोड़ा था कि मुझे उनको बताने में थोड़ा होता था कि नहीं अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। तो मेरी सिस्टर को मैं हर चीज़ बताती थी कि ऐसे ऐसे करके। तो फिर ऐसे करते करते मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई अपने कॉलेज के लिए। फिर वहाँ से भी मुझे ऑफर्स आने लग गए, मैंने 3-4 बार रिजेक्ट भी किए। फिर उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करना चाहिए, वो भी मेरी एक फ्रेंड थी, इस पर भी मेरी एक स्टोरी है। मैं वो ना मतलब छोड़ने वाली थी अपना सॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नहीं, मतलब घर पर क्या बोलूँगी या पापा को कैसे मनाऊँगी, तो मैं छोड़ने वाली थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम है मानसी, वो मेरे साथ ही रहती थी। तो उसने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुझे करना चाहिए, अगर तुम इतने एफर्ट्स डाल रही है तो तुझे एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए, कि लोगों को समझ आना चाहिए कि तेरा पैशन क्या है। क्योंकि सबको, मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो थे, मतलब फैमिली हो गए या वो, उनको पता था कि मुझे इसमें जाना है, बट जो बाहर के लोग थे उनको नहीं पता था। तो मैंने फिर वो सॉन्ग किया एंड सक्सेसफुली वो इतने अच्छे लेबल पे रिलीज़ हुआ, मनकीरत औलख के लेबल पे, एंड उस पर इतने अच्छे व्यूज़ भी आए। तो मतलब बहुत अप्रिसिएशन मिली मुझे, मतलब थोड़े नेगेटिव भी थे बट पॉजिटिव बहुत मिला। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? मेरा पहला सॉन्ग वही था जो मैंने मनकीरत औलख के लेबल से किया, वो डक्के फिर दे नाम था उसका, एंड वो उसका शूट हुआ था लुधियाना में। तो मतलब वो मेरा शूट ना एक्चुअली हो बहुत पहले गया था, बट उसके बाद फिर से कोविड हो गया। मेरा एक्चुअली प्लानिंग चल रही थी कोविड के, मतलब लॉकडाउन में ही, बट फिर मैं जैसे चंडीगढ़ गई उसके बाद मेरा वहाँ पे मतलब शूट वगैरह हुआ, फिर से लॉकडाउन हो गया। तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग सा पीरियड था। तो उसके बाद जब वो रिलीज़ हुआ, काफ़ी टाइम लग गया उसको मतलब बनने में, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी टीम को इकट्ठा होना होता है और मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी, मतलब कुछ भी ऐसे पोस्टर शूट्स के लिए। तो फिर पोस्टर में भी मेरी पिक्चर नहीं आई क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ वो हुआ था मेरा जून में रिलीज़, जबकि मतलब कोविड स्टार्ट हो गया था, मतलब लॉकडाउन हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई। तो वो मेरा पहला सॉन्ग था एंड उसकी रिलीज़ हुई थी 3 जून को, मुझे अभी भी मतलब सब कुछ डिटेल उसकी याद है। और उसकी जो मतलब शूट हुआ था वो फेब्रवरी में हुआ था, मतलब इतने महीने लग गए कि सब मुझे बोलते थे तेरा गाना आएगा भी या मतलब सिर्फ शूट ही होगा। तो ये पैशन था आपका? मेरा पैशन था, मुझे बचपन से ही शौक था मॉडलिंग का। बट वो होता है ना कि आपके पास टैलेंट होता है लेकिन आप उसको शोकेस नहीं कर पाते हो, मतलब एक आपको पता नहीं है किस पाथ पे जाना है, तो मतलब ऐसे करके। तो मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालती थी, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालती थी, और मुझे आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे मिले हैं वो सब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले हैं। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से मतलब कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि मेरी फ्रीलांसिंग रहती है, मैं फ्रीलांसर मॉडल हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं वैसे वैसे करके। बिल्कुल। फैमिली की सपोर्ट की बात की जाए तो वो किस तरह से? फैमिली का स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम रहा था, मतलब मैंने कभी उनके सामने मतलब एडमिट नहीं किया था पापा के सामने कि मैं मॉडलिंग करती हूँ। बट जैसे स्लोली स्लोली मतलब मम्मा को सब बताती थी मैं कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, तो मम्मा को पूरा अपडेट था कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। और सिस्टर मेरी बहुत सपोर्टिव है, मतलब उसकी वजह से ही मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया। अगर एज अ बात की जाए, आपके नाम के आगे चाड़क लगता है, रितुल चाड़क,
और चाणक फैमिली में जो एक राजपूत वो होता है वो उसमें एक वो रहता है ना गैप रहता है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती और फिर भी आप बढ़ रहे हो। नहीं मुझे ऐसे लगता है कि मतलब ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, मतलब ऐसे राजपूत होना उससे मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा बहुत मतलब पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं, बट उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं डाला कि हम राजपूत हैं तो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। उन्होंने हमें उल्टा एक विजन दिया, मतलब मैं जहाँ पे मतलब मैं रहती हूँ जिस एरिया में, मैंने वहाँ देखा है कि लड़कियों की मेरी एज में तो शादी भी हो जाती है, मतलब मैक्सिमम की होगी होगी, मतलब मेरी भी कुछ नोन्स हैं, लेकिन मेरे पापा ने मतलब हमेशा हमें एक विजन दिया कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मतलब डिस्कस करो एंड करो। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब तुम्हें लड़की होने का कोई वो है कि तुम लड़की हो तो ये नहीं कर सकती वो, मतलब मेरी और मेरी सिस्टर कभी भी हमारी फैमिली में कोई भी ऐसी रहता लड़की नहीं है जिसको ये मतलब प्रेशर हो कि वो राजपूत है तो वो कुछ नहीं कर सकती, बस थोड़ा बहुत रहता है मतलब, पर ये है कि वैसा कुछ नहीं था हमें कि हम वो तो ज़रूरी भी होता है क्योंकि हाँ। पेरेंट्स ही तो हैं जो वो बोलेंगे और कोई बाहर का नहीं बोल सकता। एम क्या है रितुल आपका? मेरा एक्चुअली एम ये था, मतलब मेरा एम ये है कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे एक्ट्रेस के साइड पर जाना है। मैं मतलब ट्राई कर सकती हूँ, बस वही होता है ना कि आप मेहनत कर सकते हो तो आपको पता नहीं फल कैसा मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको जो उसका फल है वो भी ज़रूर अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू। रितुल पढ़ाई की बात कीजिए, इस समय पढ़ाई चल रही है या फिर कोई जॉब कर रही है? मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है, मेरा साइकोलॉजी में था बैचलर्स, अब मैं एक डिप्लोमा कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जाऊँगी एकेडमिक बेसिस पे, तो मैं उसके लिए एक डिप्लोमा कर रही हूँ साथ में, तो उसके बाद मैं मास्टर्स का भी प्लान करूँगी आफ्टर दैट। बट अगर आप आर्टिस्ट फील्ड में चल गए हो तो फिर अभी पढ़ाई दोनों चीज़ें मैनेज करना। एक्चुअली मेरे पापा की यही मतलब बात थी कि उनको ना बहुत होता है कि पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब इस लेवल तक पढ़ना ही है, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कहा था जब मैंने उनको बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने मुझे पहली बात यही बोली थी कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगी, तो मतलब उनको यही था कि मैं पढ़ती रहूं साथ साथ में, और मुझे भी मतलब अच्छा लगता है ऐसे नॉलेज गेन करना ऐसे लर्निंग में, और मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, बट हमारे स्कूल में मैंने कॉमर्स रखा था तो उसकी वजह से मैं साइकोलॉजी में जा नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे मेंटल हेल्थ ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मतलब कि। तो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपने जिस तरह से बताया आपकी बैचलर साइकोलॉजी में हुई है, ये तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट कि अगर आपका कोई भाई है या बहन है जो 12th स्टैंडर्ड में है और वो डिप्रेशन में चला गया, तो उसको किस तरीके से आप बाहर लाएंगे? क्योंकि साइकोलॉजी स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो आगे हेल्प कर सके दूसरे। एक्चुअली मेरा सच में भाई है वो 10th में है, उसके बोर्ड्स हैं, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि तुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे बात किया कर, मैं तुझे मोटिवेट करूँगी। तो एक्चुअली ना ये मतलब ट्रेंड है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स में कि वो अपनी फैमिली वालों के साथ कभी भी ना मतलब वो नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो सुनते ही नहीं है, मतलब वो मुझे बोलता है उल्टा कि तू ये तू वो, तो मतलब उसके साथ मैं ट्राई करती हूँ। उसका रीज़न एक ये रहता है कि हम भाई बहन जो होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, तभी वो उनको नहीं। और अगर मुझे ऐसा कोई मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब कोई ऐसे सेशन लूँ जिसमें मैं लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बता सकूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ कुछ ना कुछ फेस किया है एनजाइटी एंड ऑल, तो मुझे समझ आता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ से निकलना। और वैसे भी सबसे बड़ी बात होती है अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, सबसे बड़ी मतलब साइकोलॉजी में ऐसे बोला जाता है, मतलब मेरे को ऐसे लगता है जितना मैंने रीडिंग्स की हैं कि जितना आप अपने क्लोज वंस के पास रहोगे जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं ऑल दोज थिंग्स, तो आप उनके साथ जितना रहोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। अगर आप सोचोगे कि आप किसी फ्रेंड को शेयर कर रहे हो या किसी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बाहर के लोग नहीं समझ सकते, आपके जो क्लोज वंस होते हैं इनर सर्कल वाले वही समझ सकते हैं कि आप क्या आप फेस कर रहे हो। तो साइकोलॉजी में बात की जाती है जैसे इन्होंने भी बताया कि जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो अपने क्लोज वाला जो भी पर्सन होगा उससे बातचीत करो, तो आपकी जो डिप्रेस्ड होगी या कोई टेंशन होगी आपको तो वो आपकी दूर हो सकती है, ना कि बल्कि बाकियों के बात की जाए, ये सब मैनेज हो जाता है आराम से। पढ़ाई भी अभी आप जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई में आगे एक और सेक्टर में डिप्लोमा करने जा रहे हो, तो उसी साथ साथ आप अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको कोई शूट के लिए भी जाना पड़ता है तो इन दोनों को मैनेज कैसे करो? एक्चुअली मैंने बहुत से मेरे ना ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं छोड़ देती हूँ जस्ट बिकॉज उनको भी मतलब चाहिए होता है जो एक साल तक उनके साथ ही थे। इवन मेरे पास मैं एक सीरियल में जाने का ट्राई कर रही थी और मेरा उसमें हो भी गया था सिलेक्शन, और मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरा कॉलेज था, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेरी एक्टिंग करियर है। और मुझे ऐसे मतलब टाइम तो बहुत मतलब मुश्किल से मैनेज होता है, कभी कभी मुझे कॉलेज भी मिस करना पड़ता है अपना एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मैं मतलब ट्राई करती हूँ बैलेंस करने का कि यहाँ दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ऐसे अपने से पूरा पूरा ट्राई करती हूँ। बिल्कुल। रितु कभी ऐसा हुआ कि
आपको रिजेक्शन मिली हो, क्योंकि एक एज एन आर्टिस्ट कभी हम कहीं पे काम करने जाते हैं और दे सेड कि नहीं ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपकी बस की बात नहीं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है बहुत बार, मेरे को रिजेक्शन, मतलब मैंने बहुत से ऑडिशन बनाती हूँ मैं दिन में, मतलब कभी जब मैं लॉकडाउन में घर पे थी तो मैं अपने भाई को बोलती थी ऑडिशन बनाने के, तो हम दिन में 4-5 ऑडिशन बना देते थे, तब मेरा स्टार्टिंग था एकदम, मतलब न्यू थी मैं, और उस टाइम पे मैं ऑडिशन बनाती जाती थी, तो मुझे हमेशा मम्मा पूछते थे तेरी सिलेक्शन हुई, मतलब मुझे हर बार पूछते हैं कि तू इतने ऑडिशन बनाती है। अब मैं उनको समझा नहीं सकती कि मतलब बहुत कंपटीशन है इस मार्केट में, तो मतलब बहुत बार मुझे रिजेक्शन, ऐसा भी होता है आपको रोल कुछ और बताते हैं बट देते कुछ और रोल है, मतलब वो है कि आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि आप एक न्यू कमर हो, आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो मैं बहुत मतलब सोच समझ के कोई रोल में ऑप्ट करती हूँ, लाइक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती भी तो मैं सोचती हूँ पहले कि ये मेरा फ्यूचर में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको देखना अगर आप एक न्यू कमर हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स भी जो है वो फेस करने को होती है एन आर्टिस्ट के टाइम पे, तो आपने क्या कोई प्रॉब्लम को फेस किया? सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मतलब अभी भी मतलब मैं खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स ढूंढती हूँ, कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, कभी कभी अब होता है कि जैसे लोगों को पता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो वो मुझे अप्रोच करते हैं, इवन मेरे को जितने भी आज तक मेरे प्रोजेक्ट्स थे मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे अप्रोचेस वगैरह आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मतलब मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है एंड मुझे खुद ही सब कुछ ढूंढ के मतलब अपने आप को सही, मतलब प्रोजेक्ट सही भी होना चाहिए जिस मैंने ढूंढी है, वो घर वालों को बताना कि ये चीज़ है, कभी वो गलत भी हो जाती है तो उनकी साइड से भी बहुत प्रेशर रहता है कि कुछ गलत चीज़ ना हो या कुछ मतलब ऐसा ना हो जो फेक हो जो मैं उनको बता दूँ, फिर उनको लगे कि क्या मतलब कर रही है ऑल दैट। आप एक इन्फ्लुएंसर भी है रितु, इसके साथ साथ आर्टिस्ट के साथ साथ, इन्फ्लुएंसर में किस तरीके से काम करते हैं? इन्फ्लुएंसिंग में तो बेसिकली अपना कंटेंट शो करो, आप जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हो, उसके बाद आपको कोलैबोरेशंस आती हैं, लोग आपको मतलब आपके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, एंड अपना कंटेंट ही शो करना होता है ना, आप जैसे आप कंटेंट डालते जाओगे आप लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, यही एक साइकिल है जो इन्फ्लुएंसिंग में चलता रहता है। अभी तक कितने कोलैब्स आप कर चुके हो? काउंट तो नहीं किया मैंने, शायद 5-6 मैंने जो है पोस्ट किए हैं, आधे कभी कभी क्या होता है कि मैं जम्मू होती हूँ कोलैबोरेशन मेरी चंडीगढ़ आई होती है, तो अभी मैं होली पे ही यहाँ पर थी और मुझे कोई कोलैब था वो चंडीगढ़ में आया था, जब मैं वापस गई उसमें कलर्स थे एंड ऑल वो सब था तो मैं वो यूज़ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, तो कभी ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे पार्सल्स ना बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, मेरे एड्रेस चेंज होते रहते हैं चंडीगढ़ में, तो मेरे पास बहुत बार ऐसे होते हैं। मैंने अभी 2-3 कोलैब, एक मैंने जम्मू में भी 2-3 कोलैब किए थे पार्लर वालों के साथ, तो अच्छा चल रहा है वैसे तो कोलैब एंड ऑल वाला। फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, किसके साथ किया था और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा एक कॉफ़ी ब्रांड था, उनका मतलब फेस वॉश एंड ऑल उसके साथ था, एंड वो मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत मतलब वो था, जैसे होता है ना अनएक्सपेक्टेड था मुझे लोगों से, कि वो मुझे इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रहे थे कि आपका फर्स्ट कोलैब, मतलब मुझे मेरे लिए वो ऐसा था कि चल मैंने पहली बार किया है, मतलब मुझे घर वालों ने कभी इतना वो रखा नहीं कि तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, उनके लिए तो नॉर्मल बात है कि हाँ ठीक है अब मैं यहाँ पे भी आई हूँ, घर वाले सर पर नहीं चढ़ा, हाँ सर पर नहीं चढ़ाते, वो ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है क्या ही है वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे मैं लॉकडाउन था तो मैंने मुझे इतने लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारा फर्स्ट कोलैब है ये वो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं पता नहीं कितने मतलब क्या कर दिया ऐसा, मतलब मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम फैमिली से बहुत मतलब सपोर्ट मिलती है, ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी बुरे होते हैं, हम बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, तो मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली है वो सच में बहुत सपोर्टिव है, मुझे कुछ ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं जो मुझे टिकटॉक से फॉलो करते हैं और अभी तक मतलब वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। टिकटॉक बंद हुआ था कितना मतलब कितना दुख हुआ था आपको? दुख तो मुझे बहुत हुआ था, इवन मैंने उनको मेल भी किया था कि आप प्लीज़ टिकटॉक चला दो ये सब, और मेरे फ्रेंड्स ने पढ़ ली थी और उन्होंने तो क्या करती रहती है यार, मतलब वो ना एक वो बन गया था, ट्रेडिशन बन गया था, और एक ना मतलब हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए थे ना उस चीज़ में कि मतलब मज़ा भी आने लग गया था उसको यूज़ करने का, और सभी व्यूअर्स भी इवन जो बनाते नहीं थे वो भी बड़े इन्वॉल्व हो गए। बहुत दुख होता है लोगों को अभी भी सोच सोचिए कि टिकटॉक होता तो क्या क्या होता वैसे। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कोलैब का और अभी तक जो लास्ट आपका अभी तक का जो लास्ट आपका कोलैब है उसमें क्या डिफरेंस है, पब्लिक के रिस्पॉन्स की बात की जाए, पहले में क्या मिला था रिस्पॉन्स और आज में क्या फ़र्क है? पहले
बारे में लोग काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते हैं कि इसने कोलैब किया, इसने कोलैब किया। मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स भी बताते थे कि हमें तेरी पोस्ट भेजी है किसी ने कि तूने कोलैब किया। मैंने बोला हाँ किया था, पर अब ना उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं मतलब कितने कोलैब करती हूँ, कितने पैसे कमा रही हूँ मतलब कोलैबोरेशन से। बट ठीक है, मतलब कभी कभी होता है कि मुझे अच्छा पे कर देते हो तो मैं अपने अपने बिल्स विल्स पे कर लेती हूँ, ऐसा है कि अपने शौक पूरे करने के लिए वो मैं सब कर लेती हूँ। पर लोग अब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मतलब कोलैबोरेशन है, वो तो स्क्रॉल ही कर देते हैं ऊपर, आज तो लाइक भी नहीं करते हो। लेकिन जो मेरा फर्स्ट कोलैब था उस पर तो लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मतलब था, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, सबसे बेस्ट। आज के टाइम में थोड़ा सा कम हो लोगों को समझ आ गया कि हाँ कोलैबोरेशन आम हो गया, आम हो गया वैसे वाला। वैल्यू आर्टिस्ट की वैल्यू क्या है जम्मू में बात की जाए तो? इफ़ आई टॉक अबाउट जम्मू, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैंने इतना काम नहीं किया टू बी ऑनेस्ट जम्मू में, इतने कोलैब्स नहीं किए। पर मेरा पहला जो मेकअप शूट था वो एक जम्मू बेस्ड आर्टिस्ट के साथ ही था, सरगम छाबड़ा। वो मतलब काफ़ी बहुत अब तो काफ़ी फेमस हो गया, उस टाइम पे वो नए नए आए थे तो उनके साथ ही था। तो मुझे ऐसे लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जम्मू में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जम्मू से बाहर हैं और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हमें पता ही नहीं कि वो जम्मू के हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या फिर उनको हम वो इज्जत नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कभी शो ही नहीं करते कि वो जम्मू से हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी पोस्ट पे जब ऐड करते हैं कि वो जम्मू आए थे तो हमें समझ आता है कि वो जम्मू से थे। तो आई थिंक टाइम लगेगा बट चीज़ें शायद ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अभी तक मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि लोकल है तो मतलब क्या ही है, लोकल बंदा है जम्मू का तो कितना ही मतलब वो करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे कोई बाहर का इंसान इनके साथ कोलैब करने आएगा तो उसको ये प्रॉपर वो रखेंगे आर्टिस्ट की तरह, लेकिन अगर जम्मू का ही बंदा जाएगा तो वो थोड़ा सा होता है ना इनको कि लोकल है तो क्या फ़र्क पड़ता है एंड ऑल दैट स्टफ। रितुल, जिस तरह से आपसे मुझे पता चला था आपको मिस इंटेलेक्चुअल का आपको टाइटल मिला था, तो उस टाइम पे सोचा था कि मुझे ऐसा टाइटल मिलने वाला है और मैं क्या एक्सपीरियंस रहा उस टाइम? एक्चुअली मेरे को ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जब वहाँ पे जो लोग थे ना वो भी मतलब थोड़े से शॉक हो गए थे कि मुझे ये वाला टाइटल कैसे मिल गया। क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा हुआ क्या था कि मैं कुछ क्वेश्चंस पुट कर रही थी जजेस को, जो मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड में, और उसके बीच में ना उनके आपस में बहस हो गई कुछ बात पे, तो मैं तो चुप थी एकदम, वो आपस में लड़ रहे थे। तो एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ बहुत ही सेंसिटिव था, कुछ बॉडी इमेज को लेके था, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे से बहुत बात की और मैंने उनसे बहुत बात की। और मतलब मेरी वॉइस ना थोड़ी लोगों को कॉन्फिडेंट लगती है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, बट मैं नॉर्मली बोल रही थी क्योंकि माइक पे बोल रही थी तो लोगों को ऐसे लगा कि बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रही है। तो उनके आपस में ही बहस होगी और ऐसे करते करते जब उन्होंने मुझे टाइटल दिया तो मैंने भी उनको बोला कि मेरे घर पे तो कोई नहीं मानने वाला कि मेरे को ये टाइटल मिला है। मतलब मैं अपने घर पे सुना रही थी तो वो बोल रही थी तुझे कैसे मिल गया। मतलब वो होता है ना कि उनको लगता है कि इसको कहाँ ही मिलेगा ऐसा कुछ। मुझे भी लगा था कि कुछ आइस पे मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा, मतलब क्योंकि मुझे सब कह रहे थे मुझे आइस पे मिलेगा, तो मैं भी पूरी रेडी थी कि आइस पर। जब उन्होंने टाइटल दिया मैं भी 2 मिनट के लिए ऐसे होगी कि मतलब ठीक है इंटेलिजेंट गर्ल। ये कहाँ पर मिला था वैसे? ये चंडीगढ़ में एक ग्रुप था एलिवेटर्स का, वहाँ पर उसमें मतलब उनका एक शो हुआ था, पेजेंट था एक, वहाँ पर उन्होंने मुझे मैं टाइटल दिया था। वेरी नाइस, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, घर वालों ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। आर्टिस्ट के लिए कितनी सपोर्ट है जम्मू में? आई थिंक जम्मू में तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इवन मैं देखती हूँ जम्मू में ना टैलेंट बहुत है फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत से मैं लोग देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या जब मैं स्क्रॉल भी कर रही होती हूँ ना, तो इतनी लड़कियाँ इतने लड़के आते हैं जम्मू से जो वीडियोज़ बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोगों के पास शोकेस करने के लिए प्लेस नहीं है, बस वो इंस्टाग्राम पे कभी कभी क्या होता है कि वो इंस्टाग्राम पे शुरू होते हैं और इंस्टाग्राम पे ही ख़त्म हो जाते हैं। पर इतना टैलेंट है, कुछ कुछ होते हैं जो इवन हमारे यहाँ पे ना सपोर्ट भी नहीं है लोगों की, कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कभी अब तो फिर भी थोड़ा चीज़ें अच्छी होने लग गई हैं, बट पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो मैं मुझे पता है कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनको लगता था कि ऐसे ही, अभी भी कुछ को लगता है कि ऐसे ही है, हो जाएगा थोड़ा टाइम का शौक है फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक जम्मू में टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आई थिंक ठीक हो जाएंगी। जाते जाते एक आर्टिस्ट के लिए एक मैसेज हो जाए, बिकॉज आप भी एक आर्टिस्ट हैं और यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं, मॉडल डांसर भी आपको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर आपका कुछ पैशन है तो आप उसको फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या सोचता है कोई और क्या नहीं सोचता है, बिकॉज जजमेंट इज़ समथिंग जिसकी वजह से हम अपने आप को पुल बैक कर लेते हैं। तो डू योर गुड, देयर इज़ टू मच इन द वर्ल्ड फॉर यू, सो डू गुड, यू विल हैव गुड। थैंक यू।
थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा रितुल आपके साथ बात करके. रितुल ने बहुत कुछ बताया, मुझे भी बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं. और मुझे लगता है कि जिस तरह से रितुल ने बताया, अगर आप लोग इनके बोलने पे चलोगे तो ज़रूर आप भी कुछ ना कुछ अच्छा और अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो. रितुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टॉक शो में बनने के लिए. मैं चाहूँगी कि आप ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहो जैसे अभी छू रहे हो, और वो ऐसे नए नए और अच्छे अच्छे टाइटल्स लेते रहो जो घर वाले जान भी नहीं सकते. ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास कोई टैलेंट है तो ज़रूर उभर कर बाहर आएँ, क्योंकि टैलेंट की किसी में भी कमी नहीं है. और जब आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर एक जगह भी ज़रूर मिल जाएगी, आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा. अगर नहीं है तो ज़रूर एक बार अली बोस को भी आप कंटैक्ट कर सकते हो, अली बोस भी आपकी पूरी मदद करेगा आपको एक टैलेंट प्रोवाइड करने में. ऐसे होने टॉक शो के लिए बने रहिए अली बोस के साथ. नमस्कार.